हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुमेनिया में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? इसका आंसर है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस, इसे साइरस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर। इसका आंसर है एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा की ओर रहती है? ध्रुव तारा किस दिशा की ओर रहती है? इसका आंसर है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका आंसर है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? बुध ग्रह को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर है अपोलो। आंसर है अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लेता है? आंसर है 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आंसर है 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? आंसर है भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? इसका आंसर है वरुण। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? उसका आंसर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? आंसर है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? आंसर है 14 किलोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।